तुलसी घाट पे अभी मैं हूँ और यहाँ पे जो मॉर्निंग आरती है वो कंप्लीट हो गई है। सो जैसी मॉर्निंग आरती कंप्लीट होती है तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, यहाँ से दशाश्वमेध घाट तक जाने तक एंड रिटर्न। यहाँ पे ग्रुप में बोट चलती है एंड दैट इज़ लाइक 100 रुपीज पर पर्सन और पूरा एक घंटा लगता है। तो आपको पूरे जो अर्ली मॉर्निंग घाट का जो व्यू है वो दिखाते हुए यहाँ से जाती है और वापस आती है। यू कैन सी बैकड्रॉप में यहाँ सनराइज हो रहा है, वो पीछे है रविदास घाट और वहाँ से होता है सनराइज। आप बोट लेके वहाँ पे भी जा सकते हैं, जनरली यहाँ पे शेयरिंग बोट तो मानी जाती है, तो आप प्राइवेट बोट लेके वहाँ जा सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं। आज हमारा वाराणसी में है आखिरी दिन, अभी हम अस्सी घाट की फेमस मॉर्निंग गंगा आरती देखकर जा रहे हैं सनराइज देखने। दिस इज डे 6 और इतने 6 दिनों में फर्स्ट टाइम इतना ब्यूटीफुल सनराइज हमने यहाँ से देखा। आई एम सो हैप्पी कि फॉग खत्म हो गई है। हम लोग रविदास घाट लिटरली एवरी मॉर्निंग यहाँ आते थे सनराइज देखने के लिए, बट कभी हमें सनराइज नहीं दिखा। सो दिस इज द फर्स्ट मॉर्निंग जो हमने ऐसा सुंदर सनराइज देखा है और उसके साथ हमने फिर ये रो बोट भी बुक की है। एंड अभी हम यहाँ पंछियों को दाना डाल रहे हैं, ये साइबेरियन पंछी हैं और उसके साथ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। खिलाइए खिलाइए। अर्ली मॉर्निंग जो है साइबेरियन पंछी यहाँ पे आते हैं और ज्यादा आते हैं। अगर आप थोड़ा लेट हो जाए या ज्यादा फॉग हो तो थोड़े से कम होते हैं। इनको बुलाने का एक तरीका है, आओ आओ करके। सी हाउ मेनी आर कमिंग, ओ दिस इज लिटरली द बेस्ट मॉर्निंग, बेस्ट मॉर्निंग, बेस्ट मॉर्निंग हेयर इन काशी। सनराइज टाइम पे यहाँ साइबेरियन पंछी सबसे ज्यादा दिखते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो साइबेरिया, रशिया और मंगोलिया से विंटर्स में बहुत ठंड होने की वजह से सेंट्रल एशिया माइग्रेट करते हैं और अप्रैल मार्च में समर्स टाइम पे वापस चले जाते हैं। सो गाइस, हम लोगों का मॉर्निंग का एड्रेनलिन रश अब फिनिश हो गया है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज, द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन काशी आज हमने स्पेंड किया। अभी हम अस्सी घाट वापस आ गए हैं, बोट में हम लोग अराउंड हाफ एन आवर रहे, बहुत ही अच्छा था। अगर आपको साइबेरियन पंछी का को दाना देना है और बहुत सारे बर्ड्स यू वांट, तो मेक श्योर इट्स अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे पंछी आते हैं। ये बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस है विच नो वन शुड मिस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट शेड बोट लेके, जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज पर पर्सन। मंदिर वाले घाट तक जा रही है, आ गई है भैया, आप भी आ गई है, सवारी बोट जा रही है। भैया वापस यहीं रोकोगे ना? हाँ, वापस यहीं लाएंगे। अभी सुबह सुबह की चाय मिल रही है सबको। 5-6 दिनों में पहली बार मैंने ये लेमन टी ली है। रोज लोग बोलते थे लेमन टी, बट आज मैंने ट्राई करी ली, बहुत सही है लेमन टी। लेमन है, मसाले का टेस्ट है, नमक है, मीठा है, सब है। आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है, तो जाते जाते हम अपनी फेवरेट चीजें यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं। बोट ने हमें छोड़ा था मणिकर्णिका घाट, वहां से चलते हुए हम जा रहे हैं ठठेरी बाजार की तरफ। घाट के आसपास की गलियां बहुत ही सुंदर हैं और यहां हर कॉर्नर में आपको छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे। मेन मार्केट से एकदम अंदर की गलियां हैं और यहां पे जो भी खाने पीने का सामान मिलता है वो एकदम ऑथेंटिक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये मलाइयो,
हमने नोट किया कि इस गली में जो मलाइयो मिलती है उसका टेस्ट काफी ऑथेंटिक और अच्छा होता है। तो हम लोग फिर पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट लस्सी शॉप पे, राजा राम लस्सी शॉप। और यहाँ से आज हम खूब सारी लस्सी पियेंगे। आज हमारा आखिरी दिन है, टुडे इज आवर लास्ट डे इन बनारस। और फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो हमने सोचा कि आज सी दिस बनारसी पीपल मस्त है एकदम, किसी से भी मिल लेते हैं, कैसे भी बात कर लेते हैं एंड यहाँ पे मस्त खुश रहते हैं। थैंक यू, वेलकम मैम। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा आखिरी दिन है बनारस में, और हमने सोचा कि लस्सी वस्सी पी के निकलते हैं। तो हमने बनारस में लस्सी बहुत सारी जगह से पी है, नो डाउट, बट हमें मतलब सबसे अच्छी लगी राजा राम लस्सी शॉप। हाँ, ये बहुत फेमस है। हाँ, हमें भी लगती है क्योंकि लाइक हमने कहीं से भी पियो, बट ये लस्सी और ये मलाई का टेस्ट हमें कहीं नहीं मिला। हमने बहुत जगह से पी ली, वाराणसी में आपको मिलेगा चाहिए। हमने बहुत जगह से पी ली बट भैया जैसी लस्सी। देखिए यहाँ पे तो ऐसे ब्लू लस्सी का भी बहुत नाम है, वो भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी वो नहीं है। अगर उससे बढ़िया अगर हम लोग को अगर ब्लू लस्सी की लस्सी पीना है तो उससे बढ़िया मैं चाट ना खा लूँ। लस्सी मतलब दही, अच्छा मेल्ट होना चाहिए दही, बस दैट इज लस्सी। और ये यहाँ की लस्सी देख के ही दिल खुश हो जाता है यार, देखो कितनी मलाई और कितनी गाढ़ी लस्सी है। सो गाइस, हम अपने फाइनल मोमेंट्स यहाँ वाराणसी में घूम रहे हैं, यहाँ की गलियाँ। ये हाँ, ब्रह्मा घाट के पास की जगह है, और दुर्गा घाट भी है यहाँ से, मतलब काफी सारे घाट, पंचगंगा, ब्रह्मा, दुर्गा घाट, ये सब यही पड़ते हैं। तो आज हम यहाँ की गलियाँ घूम रहे हैं। तो बनारस में इतनी गलियाँ हैं कि आप मतलब एक हफ्ते की ट्रिप में तो घूम ही नहीं सकते, आपको महीनों चाहिए यहाँ के लिए। तो आज हम ये वाला जगह घूम रहे हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो गलियाँ हम पहले घूम चुके हैं उनसे ये वाली जगह बिल्कुल ही डिफरेंट है। बहुत ही सुंदर है, हर जगह आप देख सकते हैं पेंटिंग्स बनी हुई हैं गलियों में, और गलियां बहुत साफ़ सुथरी हैं और बहुत ही प्यारी हैं। काफ़ी सारी गलियों में उजाला है, बट काफ़ी सारी गलियों में इतना उजाला भी नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहाँ के लिए बैक पैकिंग ट्रिप के लिए आए, ट्रॉली बैग्स एंड ऑल दैट यहाँ पे इतने फिजिबल नहीं है, और अंदर तो कैब्स वगैरह भी और ऑटो भी नहीं आते हैं, तो आपको खुद ही कैरी करना है। सो अगर आप गलियों के अंदर रहते हैं तो मेक श्योर कि आप सारा सामान खुद से उठा के आ सकें। बस यही हमारे कुछ फाइनल फ्यू आवर्स बचे हैं, और यहाँ हम मस्ती कर रहे हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं और लस्सी पीते हैं मक्खन मलाइया और बनारसी पान। एंड करते हैं बनारसी पान से, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन है, हम निकल जाएंगे यहाँ से। एक और चीज़ जो हमने बनारस में नोट की है, बहुत ही प्यारी जो मुझे लगी है, बहुत ही प्यारी, हर गली हर मोड़ पे कोई ना कोई मंदिर है, देर इज़ एटलीस्ट वन टेम्पल। तो जैसे आप टेम्पल देखते ही जैसे जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि आपको दिखता रहता है, आप जितनी बार बोलते हैं उतनी बार आपको प्रभु का स्मरण होता है। दिस इज़ वेरी स्पेशल हेयर एंड दैट्स वाई आई थिंक इट्स अ स्पिरिचुअल सिटी। और यहाँ की गलियाँ थोड़ी भूल भुलैया भी हैं, बट मुझे तो सब याद रहता है कहाँ से आए थे कहाँ गए थे। सो मंदिर के अंदर विट्ठल जी की भी मंदिर है, यहाँ अच्छे चलता है, प्रतिदिन गरीबों को निःशुल्क भोजन 1100। तो ये है माधव मंदिर, ये है माधव मंदिर। कैमरा अंदर नहीं जा सकता ना, अंदर नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। ये है माधव मंदिर का गेट, हम अभी अंदर जा रहे हैं, कैमरा अंदर नहीं जा सकता है, अभी हम इसे बंद करते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो हम दर्शन करके आ गए हैं, टेम्पल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर जो है उनकी मूर्ति बनी हुई है, और यहाँ पे पंचगंगेश्वर शिवजी महाराज भी हैं,
और ओ और यहाँ से बिल्कुल एकदम गंगा घाट का व्यू है। ये मिली हुई है, यहाँ पे 5 गंगा मिली हुई हैं और देखो यहाँ से व्यू कितना गॉर्जियस है। और टाइम इज अप, हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे चेक आउट करने। दिस इज आवर लास्ट डे इन वाराणसी, वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द योगा मंदिर। हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत मस्त रहा, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फैमिली जैसा लगा। एंड वी आर फीलिंग वेरी सैड, मेरी प्यारी बिटिया बहुत लवली है। अंकल भी बहुत अच्छे हैं और अंकल योगा सिखाते हैं, अंकल आसन ठीक करते हैं। अगर आपको योगा में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ ज़रूर आइए, और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है तो आप यहाँ पे ज़रूर ज़रूर आइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये है रिसेप्शन एरिया, ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, ऑल्दो 6 डेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये इनका आंगन है, पूरा आंगन का एरिया, और ये बहुत मस्त है। और योगा करने की जगह तो हमने आपको ऊपर दिखा दी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल प्लेस एंड आई विल से दिस इज़ अ बेटर प्लेस देन स्टेइंग देयर लाइक इन दशाश्वमेध घाट, बिकॉज ये बहुत ही पीसफुल लोकेशन है और यहाँ से 80 घाट जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग है। एंड दशाश्वमेध तो आप 80 घाट से कैसे भी जा सकते हैं, बाय ऑटो और बाय बोट। सो हमें अभी जाना है और अभी हमें ट्रेन पकड़नी है जम्मू के लिए। ओके गाइस, सो हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली है, इट्स बेगमपुरा एक्सप्रेस जो यहाँ से जम्मू तभी जाएगी। और हम लोगों ने एकदम लिटरली कट टू कट में पकड़ी, बिकॉज जो टाइम हमने एस्टिमेट किया था उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट जैसे तैसे करके हम भाग भाग के आए और हमने पकड़ ली है। चलो हम आपको दिखाते हैं हमारा कूपे कैसा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग इन AC फर्स्ट क्लास कूपे एंड हम लोग अब थोड़ा सेटल डाउन हो गए हैं अपने कूपे में और अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए हैं। और वरना बहुत भागा दौड़ी थी सुबह से, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश जिसे कह सकते हैं, मॉर्निंग से लाइक 5 बजे से लेके अभी तक हम लोग बस भागने में थे इधर उधर। कल हमारा शाम को प्लान था कि हम दशाश्वमेध घाट में आरती देखेंगे और वो प्लान हो नहीं पाया। उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग 80 घाट से वापस आ रहे थे, हम लोग टुक टुक ऑटो में बैठे थे एंड देन हम लोग अपने होटल पहुँचे एंड होटल में मतलब पहुँचने के बाद श्वेतांक ने अपना वॉलेट निकाला पे करने के लिए, तो इसने जब ढूंढा तो इसका वॉलेट ही गायब था। तो इसको इसका पर्स कहीं नहीं मिला, राइट। एंड वी सर्च फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स देर, तब हमें लगा कि कहीं बीच रास्ते में गिर गया है। फिर हम लोग वही सेम टुक टुक ऑटो से बैक ट्रैक करके सारी जगह गए, कहीं नहीं मिला। एवरीवन सेट के अब तो नहीं मिलेगा। 1 आवर तक तो हमने ऑलमोस्ट उसको सर्च किया और ऑटो वाले ने भी, भैया ने भी हमारे साथ बहुत मदद करवाई। देन उसके बाद अब मिलना तो मुश्किल ही था, तो हम थाने में गए, हमने FIR लिखाई एंड फिर वहाँ से सैड होके आ गए वापस अपने होटल रूम में। जब हमने तो खैर ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ ही दी थी, क्योंकि वॉलेट जैसी चीज सड़क पे गिरे या कोई लेके जाए तो कहाँ मिल सकती है। और हमें ये भी पता था कि हमारा ना तो एड्रेस है ना उसमें कोई फोन नंबर है हमारा, तो हमने सोच ही लिया था कि या तो अगर कोई पुलिस का रिपोर्ट करेगा तो पुलिस कभी भेजेगी। और वॉलेट में क्या क्या था? वॉलेट में था कैश, इतना सारा वॉलेट में था, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, हमारे ID कार्ड्स, सो इट वाज fully loaded wallet. हमारी गाड़ी के RC तक उसमें थी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग रिलैक्स करके जैसे ही रूम में बैठे, थोड़ी देर बैठ के सोचा तो मेरे को एक याद आई कि हमने 2 डेज बैक हमने ठेठ बनारसी में एक मिस्टर OP सिंह है वहाँ पे, उनका नंबर लिया था जो कि उन्होंने गाइड सर्विसेज वगैरह के लिए हमें बताया था। तो हमने उस समय, मेरा फ़ोन बिजी था तो मैंने लाइक जर्नली हम फ़ोन में लेते हैं नंबर, बट हमने उसमें कागज़ में लिख के
और श्वेतांक के वॉलेट में रख दिया था, और बाय चांस हमें याद आया कि हाँ हमने सिर्फ उन्हीं का नंबर है हमारे वॉलेट में, तो हम लोग तो अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा और वो चाह रहा होगा वॉलेट रिटर्न करना, तो वही नंबर है जिस पे वो कॉल कर सकता है, बिकॉज देयर वाज नो अदर नंबर इन द वॉलेट। तो हम लोग वॉक करके ठेठ बनारस ही गए और हमने पूछा, ऑलमोस्ट रास्ते में हमने सोच ही लिया था कि नहीं भी मिलेगा तो कोई नहीं, कार्ड हमने सारे ब्लॉक करा दिए थे तब तक, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा दिया था, एटीएम कार्ड सारे ब्लॉक करा दिए थे, तो हमने उम्मीद तो नहीं थी, बस ऐसे ही हम एक बार पूछने चले गए वहाँ ओपी सहानी। अच्छा, तो हम लोग जैसे ही ठेठ बनारस ही पहुंचे और उनसे हमने पूछा, उन्होंने हमारी बात भी कंप्लीट होने नहीं दी, उसने कहा कि जस्ट अभी 5 मिनट्स बैक एक लड़की का फोन आया है और वो आपको वॉलेट रिटर्न करने आ रहे हैं। सो वी वेर सो मच रिलीव्ड एंड वी वेर सो हैप्पी। उसके बाद कुछ देर बाद वो पहुंचे, एक मतलब BHU के स्टूडेंट ही थे, एंड देन उन्होंने बताया कि किसी बाइक वाले ने ये वॉलेट फेंका, तो उनको लगा बाइक वाले का वॉलेट गिर गया, तो उन्होंने वो उठाया और उनका पीछा किया, बाइक वाले चले गए थे, तो वो उन्होंने चेक किया तो उन्हें जो नंबर मिला उस पर उन्होंने कॉल किया एंड देन दे केम टू रिटर्न। हमने तो डिसाइड कर लिया था कि जो भी आएगा हम उन्हें इनवाइट करेंगे कि आप हमारे साथ डिनर करके जाओ, बट दे वेर ऑब्जर्विंग फास्ट यहाँ, तो हम उनको मतलब कुछ खिला भी नहीं पाए, बट वी वर वेरी वेरी हैप्पी। इसी में हमारी पूरी रात निकल गई एंड उसके बाद टाइम ही नहीं बचा था, एंड देन जाकर सो गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं कर पाए हम शाम को। तो डे 5 का एंड ऐसे हुआ। बहुत सारी लर्निंग्स हुई इससे कि पहली चीज हमें ये लगा कि यार बनारस के जो लोग हैं वो काफी हेल्पफुल है, हमारे टुकटुक वाले भैया तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल है, उन्होंने तो हमें ये भी कहते थे कि आप हमें पैसे ही मत दो, लेकिन हमने फिर भी अपने होटल वालों से कैश लेके उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करके दे दिया। ये दूसरा मुझे ये लगा कि पुलिस वाले अंकल वो SI वो इतने अच्छे थे, उन्होंने पास बिठाया और बात करी हमसे, पूरा FIR लिखाने में पूरी हेल्प करी, पूरा बताया कि, और बात भी उन्होंने बहुत प्यार से की, अदरवाइज पुलिस लोगों से लाइक सोच के भी कितना डर लगता ना पुलिस। तीसरा मुझे ये लगा कि लोग बहुत हेल्पिंग है, जैसे हमने अपने होटल वालों से बात की और उनसे हमने बोला कि हमें कैश चाहिए होगा, क्योंकि वी आर नॉट इवन गोइंग होम, अब हमें जम्मू जाना है और पूरा एक हफ्ता रहना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बता दीजिए। तो ऐसे कुछ चीजें, हाँ किसी ने जेब भी काटी, वैसे लोग भी हैं पर अच्छे लोग भी हैं। सोचो वो जो स्टूडेंट्स थे वो इतनी दूर से हमें हमारा पर्स वापस करने आए और हमने उनसे कहा आपको क्या चाहिए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ जहाँ ऑटो वाले टुकटुक वाले भैया ले जा रहे थे वहाँ पे इतने सारे लोग हमारी मदद कर रहे थे वॉलेट ढूंढने में, और कितनों ने हमारे नंबर लिए कि हम आपको बता देंगे अगर वॉलेट मिलेगा तो। सो हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारा टेक है बनारस का, बनारस की कहानियाँ जो हैं उसमें से एक कहानी ये हो गई है हमारे साथ। सो गाइस, बनारस की सुंदर यादों को दिल में बसाकर हम चल पड़े हैं जम्मू की ओर। ये थी हमारी बनारस की आखिरी दिन की वीडियो, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपना काशी से कटरा तक का सफर, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।